दशहरा दस खबर में अब बात कानपुर की, जहां मामूली लापरवाही ने एक मजदूर की जान ले ली। दरअसल जिस जेसीबी मशीन की मदद से मजदूर को बचाने की कोशिश की जा रही थी, उसी मशीन ने मजदूर के दो टुकड़े कर दिए। सड़क पर लोगों का हंगामा, कातिल जेसीबी मशीन पर पथराव। कानपुर के सनिगवा इलाके में बाबा नगर गेट के पास सीवर लाइन की खुदाई का काम चल रहा था। 30 फीट गहरे गड्ढे की खुदाई की जा रही थी। संतोष और पंकज यादव नाम के दो मजदूर गड्ढे में उतरे हुए थे, तभी मिट्टी खिसकने से दोनों मिट्टी में दब गए। मजदूरों को मिट्टी से निकालने के लिए जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया गया। जेसीबी मशीन ने संतोष को तो सही सलामत बाहर निकाल लिया, लेकिन पंकज को बचाने के दौरान उसके दो टुकड़े हो गए। मजदूर के शरीर का आधा हिस्सा तो बाहर आ गया, लेकिन दूसरा हिस्सा मिट्टी में ही दबा रहा। खुदाई हो रही थी, इस खुदाई के दौरान ये जेसीबी दाहिने बाएं की मिट्टी खिसक गई, जिससे लड़का दब गया है और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस दर्दनाक मौत के बाद इलाके के लोग और मजदूरों ने मिलकर सड़क से गुजर रही गाड़ियों को अपना निशाना बनाया।